चीन के विदेश मंत्री क्वीन गेंग लापता है, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसी खबरें आ रही हैं। 20 दिन से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है लेकिन वो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए, नजर ही नहीं आए। 57 साल के गेंग को 25 जून को आखिरी बार देखा गया था और बताया जाता है कि वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे। सवाल ये है कि क्या मंत्री के टीवी एंकर से अफेयर की खबरें इसके पीछे हैं या फिर चीनी राष्ट्रपति से ज्यादा लोकप्रियता गेंग के लिए मुसीबत खड़े कर गया। नमस्कार, मैं हूँ रचना। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब। मॉनसून कहर बरपा रहा है, जानते हैं तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा, सवाल बड़ा। चीन में विदेश मंत्री का गायब होना कितनी बड़ी बात है, ये सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि चीन अपनी तमाम जानकारियां, खबरें बेहद गोपनीय रखता है। सबसे पहले आपको बताते हैं विदेश मंत्री क्वीन गेंग के बारे में। क्वीन गेंग चीन के उत्तर पूर्वी शहर तियाजिन के रहने वाले हैं और वो लंबे वक्त से शी जिनपिंग के साथ ही काम कर रहे हैं। 2018 से पहले वो विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल विभाग में काम किया करते थे लेकिन 2018 और 2022 में उन्हें उप विदेश मंत्री भी बनाया गया। 2021 में उन्हें अमेरिका में चीन का राजदूत बनाकर भेजा गया और सिर्फ 17 महीने बाद ही उन्हें प्रमोशन दे दिया गया। दिसंबर 2022 में वो चीन के विदेश मंत्री बना दिए गए। चीन के विदेश मंत्री के गायब होने की बड़ी वजह क्या है? दो बड़ी वजह बताई जा रही है। अमेरिकी नागरिक और कैम्ब्रिज से पढ़ी हुई रिपोर्टर और टीवी एंकर फू जियोतियान के साथ अफेयर की अफवाह, इन सब के बीच गेंग के लापता होने की खबरें सामने आई। जाहिर है वजह मानकर इसे चला जा रहा है। चीन के सर्च इंजन बाइडू पर इसकी खूब चर्चा है। थ्योरी तो ये भी चल रही है कि गेंग पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों की जांच हो रही है। आपको बता दें कि चीन के लिए बड़ी बात इसलिए है क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसे अफेयर की सख्त मनाही है। चीनी विदेश मंत्री के साथ उनकी कथित प्रेमिका भी गायब बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस अफेयर की वजह से चीन के विदेश मंत्री को शी जिनपिंग ने उनके पद से हटा दिया। चीन ने इन तमाम बातों की ना तो पुष्टि की और ना ही खंडन। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, शी जिनपिंग से कहीं ज्यादा लोकप्रियता। जी हाँ, क्वीन गेंग को वुल्फ वॉरियर कहा जाता है। उन्होंने सॉफ्ट डिप्लोमेसी को दरकिनार किया, यानी तेज तर्रार तरीके से डिप्लोमेसी करने वाले नेता। उन्हें इसी वजह से विदेश मंत्री भी बनाया गया जिसके बाद उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। उन्होंने ये साफ कर दिया कि चीन अमेरिका के साथ बातचीत के दरवाजे खुला रखेगा लेकिन बिना किसी दबाव के, जिसके बाद उनकी तुलना शी जिनपिंग से की जाने लगी और वो धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे। चीन में तमाम ताकतवर लोगों का लापता होना कोई नई बात नहीं। एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, सभी गायब हो जाते हैं। जो भी सरकार की आंखों की किरकिरी बना, समझिए वो लापता हो गया। कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में आपको बताते हैं। जाने माने बिजनेसमैन चीन की आर्थिक नीतियों के आलोचक रहे, अक्टूबर 2020 से 2 महीने के लिए गायब हो गए। रेन झिकियांग भी जाने माने व्यापारी हैं। मार्च 2020 में सरकार की खूब आलोचना की जिसके बाद वो गुमशुदा हो गए। करप्शन के आरोप में 18 साल की जेल की सजा भी अब उन्हें सुना दी गई है। झाओ वेई, ताइवानी आर्टिस्ट के साथ इन्होंने काम किया जिसके बाद अगस्त 2021 से ये लापता है। डुआन वेई हान, ये भी बिजनेसमैन है। डुआन के पति भ्रष्टाचार पर किताब लिख रहे थे, 2017 में ये लापता हो गई। पेंग शुआई, टेनिस प्लेयर, चीन के पूर्व उपराष्ट्रपति झांग गाओली पर यौन शोषण का आरोप लगाया, 2021 में गायब हो गई। हालांकि नवंबर 2022 में ये फिर से दिखी। अगला नाम है फैन बिंगबिंग। बिंगबिंग पर टैक्स चोरी का आरोप लगा, 2018 में ये 3 महीनों के लिए गायब हो गए। तो ये है वो नाम जो चीन में रुतबा रखते थे लेकिन उसके बावजूद लापता हो गए, गायब हो गए, कुछ तो अभी तक नहीं मिले हैं। और अब इसी में नाम शुमार हो चुका है चीन के विदेश मंत्री क्वीन गेंग का। वो कब सामने आते हैं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन चीन में ऐसा कुछ भी होना कोई बड़ी बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, क्या लापता हो जाना चीन में कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी बात होती है? कम से कम चीन की हिस्ट्री देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।